नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मांधाता ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के कार्यों की चर्चा पूरे ब्लॉक विधानसभा विश्वनाथगंज में जोरों से हो रही है। अपने छोटे भाई ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद की जिम्मेदारियों का भार अपने कंधों पर उठाकर क्षेत्र की जनता की समस्याओं का कर रहे हैं निस्तारण। जनता दरबार में आ रही है अपार शिकायतें। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर क्षेत्र के विकास की वास्तविकता जानने के लिए हम लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। मांधाता ब्लॉक में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का करते हैं निस्तारण। जो समस्याएं तत्काल निस्तारित नहीं हो सकती उन समस्याओं को 15 दिन के अंदर निस्तारण करने का अधिकारियों को देते हैं निर्देश। अवनीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। इस बात का संकेत दे रहा है आसपास भाई। देखिए, हम यहाँ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं। हमारा छोटा भाई ब्लॉक प्रमुख है। दौरा हम जो कर रहे हैं क्षेत्र में जा जाकर सब लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। सड़क, पानी, बिजली देख रहे हैं। जहाँ तक कि सड़कें बहुत ज़्यादा ही ध्वस्त हैं और जहाँ हमारे स्तर से ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम सड़क नाली विकास जितना भी हो सकता है हम अपने ब्लॉक स्तर से करा रहे हैं। इसलिए तूफानी दौरा कर रहे हैं कि जा जाकर जानकारी हो, लोगों से मुलाकात करेंगे, लोगों की समस्याओं को जानेंगे, तभी सही जानकारी सही काम हो पाएगा। महीने के हर 15 तारीख को जनता दरबार लगाया जाता है। आप पहले व्यक्ति हैं जो ब्लॉक में बैठ करके जनता दरबार लगाते हैं। उस जनता दरबार में क्या कमियां आपको मिलती हैं कि वास्तव में धरातल पर जनता के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है? देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि रहा है यहाँ, वो कभी जनता की समस्याओं का निस्तारण नहीं करता, ना तो जनता से मुलाकात करता है, ना जनता की सुनवाई करता है। इसलिए हमने महीने में एक दिन हर 15 तारीख को जनता के लिए पूरा पूरा समय देते हैं। पूरे पूरे यहाँ पर हमारे ब्लॉक के जितने अधिकारी रहते हैं उनको बैठाया जाता है और सभी ग्राम सभा से, पूरे ब्लॉक के सारी ग्राम सभाओं से यहाँ लोग आते हैं, अपनी अपनी समस्या बताते हैं और उन समस्याओं का ज़्यादा से ज़्यादा निस्तारण तुरंत हो जाता है। बाकी जो बचता है वो भी 15 दिन का समय अधिकारियों को दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर समस्याओं का निस्तारण करें, चाहे हमारे स्तर से हो या विभाग के स्तर से, सारी समस्याओं का समाधान होता है। इसमें जनता पूरी तरीके से खुश रहती है और काफ़ी यहाँ भीड़ रहती है। आप लोगों ने देखा होगा कि क्षेत्र से काफ़ी समस्या उभर कर आती हैं। कहीं नाली है, कहीं सड़क है, कहीं पानी की समस्या है। हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का निस्तारण हो, इसलिए हम यहाँ पर जन सुनवाई का कार्यक्रम रखते हैं।